रूस की 17 ऐसी अजब गजब बातें जो उसे यूरेशिया का खास देश साबित करती हैं। रूस और भारत के बीच ठीक वही दोस्ती है जो शोले फिल्म में जय और वीर के बीच है। रूस और भारत के बीच न सिर्फ दांत काटी रोटी वाली दोस्ती है, बल्कि वे इस दोस्ती को पूरी तरह निभाते भी हैं। साफ साफ शब्दों में कहें तो वे एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। रूस का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है राज कपूर का वो गीत, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बस यही नहीं, रूस हमारे भारत का सबसे अहम सामरिक व आर्थिक साझेदार है। रूस जिसकी लाल टोपी से पूरी दुनिया कहीं न कहीं प्रभावित रही है। रूस जहां की लोलिता भी है और लेनिन भी, जहां की अन्ना भी है और पुतिन भी। तो कहने का मतलब ये है कि रूस ने भारत को साहित्य, आर्थिकी और न जाने कितने ही क्षेत्रों में मजबूती देने का काम किया है। यहां तक कि शीत युद्ध के आलम में भी भारत और सोवियत संघ के रणनीतिक, सैनिक, आर्थिक एवं राजनयिक संबंध रहे हैं। इसी के मद्देनजर हम आपको रूबरू करा रहे हैं रूस से जुड़े ऐसे तथ्यों से जो रूस को यूरेशिया का दिल साबित करते हैं। एक, रूस मॉस्को में अमीर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि अमीरियत यही सब कुछ सिखाती है तो ऐसी अमीरी का क्या काम। दो, रूस में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां ज्यादा हैं। इसे तो एक अच्छी बात कह सकते हैं कि रूस नारी प्रधान देश है। तीन, रूस के एक तिहाई लोग मानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जी हाँ, ये बात सच है। स्पेस में सबसे पहले विमान भेजने वाले रूस में ऐसे भी लोग हैं। चार, रूस में आज भी कई छिपे ढके शहर हैं। रूस के भीतर ऐसे कम से कम 15 शहर हैं जिन्हें पूरी दुनिया से छिपा कर रखा गया है। पांच, रूस में गंदी कारें चलाना अपराध है। अब वो सारे इंडियंस जो कभी उनकी कारों को नहीं धोते, यह खबर खास उनके लिए ही है। छह, रूस में 25% लोग 55 साल से पहले ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, और इसकी एक बड़ी वजह वोडका का सेवन माना जाता है। सात, हम सभी का पसंदीदा शब्द वोडका रूस से आया है। रूस में वोडका मतलब पानी होता है। अब आगे क्या बताया जाए। आठ, रूस में कभी दाढ़ी पर टैक्स लगा करता था। वैसे तो रूस के लड़के बड़े दूध से होते हैं, लेकिन हम आपको बताते चले कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान यहाँ दाढ़ी पर टैक्स लगता था। नौ, रूस में लोमड़ियां भी घरों में रहती हैं। अब ये बात तो डराने वाली है मगर सच है। साल 1959 से रूस में वैज्ञानिक लोमड़ियां पालते हैं। 10, अमेरिका ने रूस से अलास्का पर्वत खरीदा है। यह बात सन 1867 की है और अमेरिका ने अलास्का पर्वत के एवज में सिर्फ 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रूस को दिए थे। 11, रूस में यह बात बच्चों से बतानी अवैध है कि समलैंगिक लोग भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। इस बात पर तो आई हेट रसिया रे। 12, रूस में हर साल लगभग 5 लाख लोग शराब की खपत से मर जाते हैं। होने को तो यह कड़वा सच है मगर फिर भी सच है। 13, रूस का 77% हिस्सा साइबेरिया है। जी हाँ, वही साइबेरिया जहाँ तापमान हमेशा माइनस में रहता है। 14, रूस क्षेत्रफल के मामले में प्लूटो से भी बड़ा है। रूस जनसंख्या के मामले में तो आगे है ही, इसके अलावा यह क्षेत्रफल के मामले में भी अव्वल है। 15, रूस और जापान आज भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। रूस और जापान ने अब तक शांति समझौता नहीं किया है। कुरिल आज भी उनके बीच विवादों का केंद्र है। 16, मेट्रो यहाँ की लाइफलाइन है।
भारत में तो मेट्रो का आगमन बहुत बाद में हुआ, लेकिन रूस का मेट्रो सिस्टम अपने तरह का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट है। यहाँ हर 90 सेकंड में एक ट्रेन गुजर जाती है। 17 फूल यहाँ शुभ संकेत नहीं। जहाँ पूरी दुनिया में फूल देना शुभ माना जाता है, वहीं रूस में पुरुषों का महिलाओं को फूल देना शुभ नहीं माना जाता। फूलों को यहाँ अंत्येष्टि से जोड़कर देखा जाता है। बच्चे पैदा करने के लिए मिली रूस में छुट्टी। यूलिनोविस्क एजेंसियां, रूस में जनसंख्या घटने से अधिकारी इस कदर चिंतित हैं कि उन्होंने ठीक 9 माह बाद बच्चा पैदा करने वाले दंपतियों को इनाम देने का फैसला किया है। यही नहीं, मध्य प्रांत यूलिनोविस्क की सरकार ने आबादी बढ़ाने के उपाय के तहत बुधवार को दंपतियों को छुट्टी दे दी ताकि वे फुर्सत से सेक्स कर सके। यूलिनोविस्क के गवर्नर ने कहा है कि जो दंपति ठीक 9 महीने बाद रूस के राष्ट्रीय दिवस यानी 12 जून को बच्चा पैदा करेंगे, उन्हें कार और टेलीविजन जैसे तोहफे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों स्थिति में पुरस्कार दिए जाएंगे। फ्रांस के गवर्नर सेर्गी मोरोजोव ने कर्मचारियों से आबादी बढ़ाने के रूस सरकार के अभियान में सहयोग करने की अपील की है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की आबादी में तेज गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रूस में हर साल आबादी में लगभग 7 लाख की कमी हो जाती है। रूस में एड्स, नशाखोरी और आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण भी मृत्यु दर अधिक है। यूलिनोविस्क में लगातार तीसरे वर्ष 12 जून को बच्चा पैदा करने वाले दंपतियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 12 जून को रूस में 78 बच्चे पैदा हुए थे, जबकि पिछले साल यह संख्या सिर्फ 26 थी। प्रांत के एक चिकित्सा अधिकारी एंड्रेई मेलिकह ने बताया कि इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों में इनाम पाने की चाहत के मद्देनजर अगले साल इस संख्या में खासा इजाफा होने की उम्मीद है। जनसंख्या विशेषज्ञों का आकलन है कि इस सदी के मध्य तक रूस की जनसंख्या 4 करोड़ घट सकती है, जो वर्तमान जनसंख्या का लगभग 1/3 है। इसी के मद्देनजर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने वाली महिला को $9,000 मिलेंगे।